आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। आज हम बात करें दिल्ली के सिंधु बॉर्डर की, जहां पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, किस तरीके से मुस्तैद खड़ी हुई है और लोगों को जागरूक भी कर रही है। क्योंकि दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है, 5 आदमी खड़े नहीं हो सकते। वहीं मौके पर हमने देखा कि अलीपुर SHO सुनील कुमार भी मौके पर खड़े दिखाई दिए और उन्होंने गाड़ी रुकवा कर लोगों को जागरूक भी किया। और वैसे ही कोई ना जा सके, अगर किसी के ID प्रूफ है तो ही उसे एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं। और गाड़ी में भी 2 आदमी जा सकते हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रही है। ये सराहनीय काम है जो दिल्ली पुलिस कर रही है। उसी को देखते हुए जिस तरीके से महिला कॉन्स्टेबल भी और ट्रैफिक पुलिस भी, जो ये बीमारी है, महामारी इसको घोषित कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। इससे लोगों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। और लोग ये खुद भी सोचें, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ये सोच लें कि हमें कैसे बचना चाहिए। औरों को भी सीख देनी चाहिए, अपने घरों से ना निकले, कहीं भी 5 आदमी खड़े ना हों और दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग करें। जिस तरीके से रात दिन खड़े होके दिल्ली पुलिस आपकी सेवा कर रही है, उस तरीके से जनता को भी खुलकर सामना होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस की सराहना करे और उनका सहयोग करे। जनता बाहर ना निकले और 5 आदमी खड़े ना हो। ये नज़ारा दिल्ली के सिंधु बॉर्डर का है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस बिल्कुल अलर्ट खड़ी।